Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about innate immunity. But friends, हम लोग जो हैं innate immunity पे discuss करने से पहले हम लोग बात करेंगे immunology के बारे में कि immunology क्या है. Immunology पे हम लोग यहाँ पे discuss करने के बाद innate immunity के बारे में यहाँ पे जानेंगे और हम लोग detail में discuss करेंगे innate immunity के बारे में. आप लोगों को बहुत सारी videos मिल जाएंगे innate immunity की YouTube पे, but अपनी इस video में जो आज मैं आप लोगों के साथ में discuss करने जा रहा हूँ वो आप लोगों को किसी भी video में नहीं मिलेगा. तो आप लोग इस video को starting से लेकर एंड तक देखें और आप लोग मेरे साथ में बने रहें इस वीडियो में और हम लोग अपनी इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे innate immunity के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं immunology की. Immunology क्या है? तो फ्रेंड्स, immunology is the science that is concerned with immune response to foreign challenges. तो फ्रेंड्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जब वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अंदर एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो एक रिस्पांस क्रिएट होता है उस रिस्पांस को हम लोग बोलते हैं इम्यून रिस्पांस. और फ्रेंड्स, उस इम्यून रिस्पांस की जो हम लोग स्टडी करते हैं इन डिटेल, जिस डोमेन में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. और वो डोमेन हमारा इम्यूनोलॉजी है जिसमें हम लोग उस इम्यून रिस्पांस की इन डिटेल स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनोलॉजी की ही एक ब्रांच है और इम्यूनोलॉजी के साथ में ही डील करती है इम्यूनिटी. और फ्रेंड्स, इम्यूनिटी जो है ये हमारा जो टर्म आया था ये हमारा लैटिन वर्ड से हमारा ये टर्म आया है. और इसका जो एक जो ये टर्म हमारा आया है वो हमारा इम्यूनिस शब्द से हमारा ये आया है, इम्यूनिस वर्ड से हमारा आया है. और फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस बाय पैथोजेंस और स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंसेस. दे एरे ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच कैरी आउट दिस एक्टिविटी constitute the immune system. Immunity is typically divided into two categories. One is innate and other is adaptive immunity. तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी इस वीडियो में आज बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में. और ये हमारा यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन था जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया. तो फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी जो है, इम्यूनोलॉजी की हमारी यहाँ पे आप लोग, हम लोग पूरी इम्यूनोलॉजी की जो स्टडी करते हैं वो हम लोग टू डोमेन में करते हैं या टू कैटेगरी में हम लोग करते हैं. एक इननेट इम्यूनिटी और एक होती है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी. अगर मैं आप लोगों को और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ तो फ्रेंड्स, जो इननेट इम्यूनिटी है ये हम लोगों को जो मिलती है ये हम लोगों को नेटिव और नेचुरली ये हम लोगों को मिलती है. और फ्रेंड्स, ये हमारा एक तरह से जैसे कि इट इज़ द टाइप ऑफ नेटिव एंड नेचुरल इम्यूनिटी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. और इट इज़ आल्सो नोन एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ये एक तरह की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. और नॉन स्पेसिफिक का क्या यहाँ पे मीनिंग है उसको भी हम लोग समझेंगे अपनी इसी वीडियो में आगे. और फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस. और फ्रेंड्स, इट हैज़ नो मेमोरी. इसमें मेमोरी नहीं होती. फ्रेंड्स, जैसे कोई कोई जैसे कि कोई क्रिमिनल या कोई आतंकवादी हमारे ही कंट्री में घुस जाता है फॉर एग्जांपल, तो फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट में जो हमारी फोर्सेस हैं वो वर्क करती हैं या जो हमारा डिफेंस है हमारी कंट्री का वो उसके अगेंस्ट में वर्क करता है. ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारी बॉडी का नहीं है या जिसको हमारी बॉडी अपना पार्टिकल नहीं समझती, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके अगेंस्ट में वहां पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम लोग इम्यून रिस्पांस बोलते हैं. फ्रेंड्स, बहुत सारी हमारी कंट्री के अंदर हमारे डिफेंस की बहुत सारी हमारी ब्रांचेज हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे हमारे डिफेंस एक तरह से मैकेनिज्म है, बहुत सारी डिफेंस एक तरह से वहां पे प्रोसेस हमारे ऑपरेट होते हैं. तो फ्रेंड्स, जिस तरह का हमारा एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है उसी तरह का जो इम्यून रिस्पांस हमारी बॉडी क्रिएट करती है वो भी उसी के रिगार्डिंग वहां पे एक जनरेट होता है. जैसे कि फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी का जो एक्शन है किसी भी
एक फॉरेन पार्टिकल के लिए, एक फॉरेन जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए वो एक अलग होता है, और फ्रेंड्स इंडियन नेवी का अलग होता है, इंडियन आर्मी का अलग होता है, इंडियन एयरफोर्स का अलग होता है, और सबका जो एक जो अल्टीमेट जो गोल होता है, अल्टीमेटली जो गोल होता है वो ये होता है कि किसी भी तरह से उसको एलिमिनेट करना है जो फॉरेन पार्टिकल हमारी कंट्री में घुस रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी का भी एक ओवरऑल एक गोल होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जो हमारी कंट्री में घुस रहा है उसको हम लोगों को एलिमिनेट करना है। ब्रांचेज अलग अलग हैं, गोल सबका एक ही है। तो फ्रेंड्स ये मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है। और जो हमारी इननेट इम्यूनिटी होती है ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट जो हमारा सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, जो डिफेंस वहाँ पे एक क्रिएट होगा वो हमारा इननेट इम्यूनिटी का ही होगा, और इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो फ्रेंड्स जब ये मैकेनिज्म हमारा फेल हो जाता है उसके बाद में जो हमारा मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है वो होता है हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी पे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इननेट इम्यूनिटी जो है इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, यानी कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स को यूज़ करके ये इम्यूनिटी जो है उस फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो है इसके बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स भी जो हैं वो इननेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। फ्रेंड्स केमिकल मीडिएटर्स हमारे कुछ होते हैं, और फ्रेंड्स इन्हीं केमिकल मीडिएटर्स को हम लोग कई बार इम्यून रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, और हमारा सेलुलर डिफेंसेस हमारे होते हैं। ठीक है, तो इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, कि फिजिकल बैरियर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। स्किन जो है, हमारी जो स्किन है वो एक हमारा फिजिकल बैरियर है, और ये हमारे डिफेंस में मदद करता है, डिफेंस में हम लोगों का हेल्प करता है। इननेट इम्यूनिटी में डिफेंस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसके एलिमिनेशन के लिए स्किन जो है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करती है। सेकंड जो है वो हमारा म्यूकसा मेम्ब्रेन है, और फ्रेंड्स ये जो है इंट्रैप करती है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारी बॉडी के पार्टिकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीलिया है, इपिथीलियल सेल मेम्ब्रेन है, ये भी फिजिकल बैरियर का ही पार्ट है। फ्रेंड्स एक हमारा टीयर होता है, जो हमारे आंसू होते हैं जो हमारी आंखों में पाए जाते हैं, हमारे आईज में पाए जाते हैं, कंटेन ये जो टीयर्स हमारे होते हैं ये कंटेन करते हैं लैक्रिमल फ्लूइड फ्रॉम जो हमारा एक लैक्रिमल फ्लूइड होता है जो हमारा सिक्रीट होता है लैक्रिमल ग्लैंड से, तो ये भी हमारे टीयर्स में पाया जाता है, और एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारा इननेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर में। और फ्रेंड्स जो हमारे टीयर्स हैं ये कंटेन करते हैं लाइसोजाइम को और लैक्टोफेरिन को और आईजीए एंटीबॉडी को। तो फ्रेंड्स लैक्टोफेरिन जो है ये भी एक बहुत ही क्रूशियल एक हमारा कंपाउंड इसको आप लोग मान सकते हैं जो हमारे टीयर्स में पाया जाता है, और लाइसोजाइम जो है वो हमारे एंजाइम है, हमारे हाइड्रोलाइटिक एक तरह से एंजाइम है, और फ्रेंड्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, सॉरी आप लोग इनको बोल सकते हैं, और आईजीए जो है वो एक एंटीबॉडी है, और फ्रेंड्स जो एसिडिक पीएच है वो भी हमारा एक हमारा फिजिकल बैरियर है, और हमारा जो स्टमक है उसका भी एसिडिक पीएच होता है, एचसीएल वहाँ पे पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिजिकल बैरियर में हमारे कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक जैसे कि लाइसोजाइम जो है वो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो फ्रेंड्स बहुत सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फ्लामेटरी हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी जो बैरियर्स होते हैं ये भी हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी हमारे इननेट इम्यूनिटी में भी इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। और इन्फ्लामेटरी जो हमारे बैरियर्स होते हैं ये हमारे हमारा वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं उनके एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और इन्फ्लामेशन जो है वो एक टिश्यू इंजरी होती है, आप लोग जानते होंगे। और जब हम लोगों को टिश्यू इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे जो फर्स्ट सेल आती है हमारी वो न्यूट्रोफिल्स होती है, और फ्रेंड्स न्यूट्रोफिल्स के बाद हमारी मोनोसाइट्स वहाँ पे आती हैं, और इन सारी सेल्स को जो है हमारे कीमोकाइंस वहाँ पे बुलाते हैं, या हमारे जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं वो वहाँ पे इनको रिक्रूट करते हैं। तो फर्स्ट जो सेल हमारे इन्फ्लामेशन में रिक्रूट होती है जब हम लोगों को टिश्यू इंजरी हो जाती है वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड मोनोसाइट, और थर्ड जो सेल आती है फ्रेंड्स वहाँ पे वो होती है डेंड्राइटिक सेल। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल मीडिएटर्स की। केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो हमारे जैसे एक्यूट फेज प्रोटीन्स हमारी होती हैं, हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे एक तरह के ग्लाइको प्रोटीन्स ही होते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी हमारे एक तरह के ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। जो हमारे साइटोकाइंस होते हैं वो भी हमारे ग्लाइको प्रोटीन्स ही होते हैं, और साइटोकाइंस जो हैं फ्रेंड्स वो एक तरह से मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। बहुत सारे साइटोकाइंस जो हैं हमारी बहुत सारी सेल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, हमारी लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, तो ये सारी सेल्स जो हैं हमारी ये हमारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती हैं, और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो हमारी बोन मैरो में बनती है। तो ये सारी जो हमारी सेल्स हैं माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, ये सारी सेल्स जो हैं साइटोकाइंस को रिलीज करती हैं, और साइटोकाइंस जो हैं वो एक तरह की इम्यून रेगुलेटर हैं जो पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। और ये सारे जो साइटोकाइंस हैं हमारी सेल्स से सिक्रीट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। इस पर भी हम लोग इन डिटेल आगे अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द साइटोकाइंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोकाइंस इन इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स इस पर भी डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पैटर्न्स को, जिनको हम लोग PRR हम लोग इनको बोलते हैं, या हम लोग इनको PRM बोलते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स जो हमारे, जैसे आप लोगों को पता होगा, जो हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे, जैसे कि वहाँ पे हमारा MBL होता है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन हमारा होता है, वहाँ पे हमारा CRP होता है, सी रिएक्टिव हमारी प्रोटीन्स होती हैं। और फ्रेंड्स इस टाइप के जो हमारे एग्जांपल हैं, ये हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स के ही एग्जांपल वहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं सेलुलर डिफेंस की। सेलुलर डिफेंसेस जो हैं वो हमारे, जैसे कि मैंने आप इसको टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जैसे कि सेल्स पार्टिसिपेट इन इननेट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें जो है वो हमारी सेल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, एनके सेल हैं, और कुछ हमारी फेगोसाइटिक सेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये सारी की सारी जो हमारी सेल्स हैं, ये सभी की सभी जो हमारी सेल्स हैं ये हमारे सेलुलर डिफेंसेस में हम लोगों को हेल्प करती हैं। और इन सेल्स के बारे में भी हम लोग इन डिटेल अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि जो इननेट इम्यूनिटी है वो हमारी, उसके साथ में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी इननेट इम्यूनिटी होती है या जो हमारा इननेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमारा, जैसे मैंने बताया कि नॉन स्पेसिफिक होता है, और इसका जो रिस्पांस टाइम होता है फ्रेंड्स, इस इननेट इम्यूनिटी का जो रिस्पांस टाइम होता है वो हमारा रैपिड होता है, ठीक है, कुछ ही आवर में वो हमारा हो जाता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो डाइवर्सिटी होती है वो इसमें लिमिटेड होती है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस रिस्पॉन्स में जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी लिमिटेड होती है, और जो मेमोरी होती है वो मैंने आप लोगों को बताया तो एबसेंट होगी या फिर लो होगी, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ज्यादातर केस में जो है वो हमारी एब्सेंट ही होती है, और कुछ केसेस में लो भी पाई गई है, इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और जो मेजर सेल टाइप्स हैं हमारे इस इम्यूनिटी के वो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, और अदर हमारी सेल्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। और फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों में हमारा वहाँ पे है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है, या आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो फ्रेंड्स आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी आप लोगों को फ्यूचर में ऐसी वीडियोज प्रोवाइड कराता रहूँ, ऐसे ही आप लोगों को अवेयर कराता रहूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। और फ्रेंड्स ये सभी जो वीडियोस हमारी आगे आएंगी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, ये सभी वीडियोस हमारी
हमारे जो कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक जैसे सी एस आई आर नेट लाइफ साइंसिस एग्जाम डी बी टी जे आर एफ एग्जाम और फ्रेंड्स हमारा आई सी एम आर एग्जाम आई सी आर एग्जाम और जो हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है जो हमारा गेट लाइफ साइंसिस एग्जाम है और जो हमारा आई आई टी जे एम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है इस टाइप के जो हमारे एग्जाम हैं उन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी सभी वीडियोज जो हैं एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल आप लोगों के लिए वहाँ पे प्ले करेंगी. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इन सभी वीडियोज को आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने क्लीग्स को, अपने जूनियर्स को आप लोग सेंड कर सकते हैं. और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ. और आप लोग वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं. और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तो आप लोग अपने क्वेश्चंस मेरे साथ में शेयर कर ही सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड वॉचिंग फॉर थैंक यू फ्रेंड्स.